हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। और आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में। गुप्ता एम्पायर जिसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, तो गोल्डन पीरियड कहते थे इसे। और वो इसलिए कहते थे क्योंकि देखिए उस समय जो लिटरेचर था, आर्ट था, इंजीनियरिंग थी, मैथमेटिक्स थी, एस्ट्रोनॉमी थी, फिलोसफी थी, वो अपने चरम सीमा पर थी। और गुप्ता एम्पायर ने इसे काफ़ी हद तक एक्सप्लोर किया था। और देखिए जो गुप्ता एम्पायर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वो इसलिए क्योंकि हर एग्जाम में आप कहीं ना कहीं गुप्ता एम्पायर से क्वेश्चन दिखे गए। तो श्रीगुप्त ने इस गुप्ता एम्पायर को शुरू किया था। और आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो मेजर क्लासिफिकेशन है गुप्ता एम्पायर का वो 320 AD टू 550 AD तक होता है। और श्रीगुप्त जो थे वो कहते हैं फाउंडर थे, और जो उन्होंने फाउंड किया था 240 AD में, और 240 AD टू 280 AD इन्होंने रूल किया था। और इसके बाद जो आए थे उनके बेटे घटोत्कच, घटोत्कच और घटोत्कच ने उन्हें रूल किया था 280 AD टू 320 AD। और देखिए जो जो मेजर रूलिंग जो शुरू हुई थी गुप्ता पीरियड की, वो कहते हैं रियल फाउंडर चंद्रगुप्त वन को, और उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त आए थे। और श्रीगुप्त के बारे में एक और बात बता दूं कि टी सिंह जो एक चाइनीज पिलग्रिम थे वो उस समय इंडिया आए थे, और उन्होंने चंद्रगुप्त से आग्रह किया था कि एक चीनी मंदिर, चाइनीज टेम्पल बनाया जाए बोधगया में। और ऐसा हुआ और चीनी मंदिर बोधगया में बनाया गया। तो गया उस समय सिखवाना कहा जाता था गया को, तो ये भी इम्पोर्टेंट। और चाहिए आगे बढ़ते, देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको कि उस समय जो राजा थे उनका जो रूल हुआ करता था वो पाटलिपुत्र या मगध क्षेत्र हुआ करता था। वो ज़्यादातर लोग इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि देखिए अगर ये इंडिया का मैप है तो ये है मगध क्षेत्र। और अगर इस क्षेत्र में देखिए आपको अगर हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी तो मगध जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में आप जानते हो। और छोटा नागपुर प्लेट्यू इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इम्पोर्टेंट है आयरन ओर और मिनरल्स के लिए। तो जो समय के जो राजा थे और एम्पायर्स जो थे वो पाटलिपुत्र को कैपिटल इसलिए बनाते थे क्योंकि जो आयरन हो रहे उस पर उनका कब्जा रहा। और जो इसका जो मेन काम आया करता था वो था हथियार बनाने में, तो आयरन का काम हथियार जैसे तलवार वगैरह बनाने में आता था। तो इसलिए जो इकोनॉमी था वो काफ़ी बूस्ट हो जाता था रूलर्स का, तो इसलिए इस एरिया को वो कैप्चर करते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए चंद्रगुप्त वन कहते हैं रियल फाउंडर जो थे गुप्ता एम्पायर के वो थे चंद्रगुप्त वन, इन्हें महाराजा धीराज भी कहते थे। और इन्होंने जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवीज उस समय जो राज करते थे वो थे पाटलिपुत्र में। और जब लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी की उनकी शादी हुई तो जो उनका उनको जो दहेज में मिला, जो डॉरी में मिला, वो मिला पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से जब वो राज करना शुरू किए तो उन्होंने अपना किंगडम को एक्सपैंड किया। और इनफैक्ट प्रयाग, प्रयाग जिसको आज के समय में इलाहाबाद कहते हैं, तो मगध से होते वो प्रयाग तक गए। और इनका एक और इम्पॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो इशूइंग ऑफ गोल्ड कॉइन, तो उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया था चंद्रगुप्त वन ने। तो आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें कहते थे इंडियन नेपोलियन। और इंडियन नेपोलियन उन्हें कहते हैं, और ये जो क्वेश्चन है हजारों बार रिपीट हो चुका है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर दिखेगा। तो हु इज नोन एज इंडियन नेपोलियन, तो इंडियन नेपोलियन इस समुद्रगुप्त, और ये बेटे थे चंद्रगुप्त वन के। और देखिए इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है, इन्हें कहते हैं कविराज, कविराज कहते हैं किंग ऑफ पोएट्स को, तो ये खुद भी बहुत बड़े पोएट थे। और जो इनका जो मैं एक और बात बता दूंगा आपको, इनके जो राज दरबार में इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स भी मौजूद थे जैसे हरिसेना, असंगा, तो ये सब इम्पोर्टेंट लोग थे। और इन्होंने अश्वमेघ याचना किया था। अश्वमेघ याचना कहने का मतलब कि राज में आपके जो राजा होते हैं वो अपने नेबरिंग राजा को या अपने शत्रु राजा को और फ्रेंडली राजा दोनों को आर्मी और एक घोड़े के साथ भेजा करते थे। तो जब वो राजा आते थे इनके दरबार में तो उन्हें या तो अलायंस बनाना होता था या तो फिर इनके साथ लड़ाई करनी होती थी। तो अगर आप एग्री हैं तो आप अलायंस बनाएंगे, अगर आप एग्री नहीं है तो इनके साथ युद्ध करना पड़ता था। तो ये परफॉर्म किया था समुद्रगुप्त ने। और श्री मेघवना जो बुद्धिस्ट किंग थे श्रीलंका के, वो एक मोनेस्ट्री बनाए थे बोधगया में जिसे महाबोधि संगवा जिसको बोलते हैं। और जो पीपल का पेड़ है जिसके नीचे बुद्ध ने एनलाइटमेंट प्राप्त की थी, उसको चारों तरफ से इन्होंने ग्रिल से घेरा था जो कि सोने का बना हुआ था। तो ये धर्म के प्रति भी काफी लगाव रखते थे। आइए चंद्रगुप्त टू, तो चंद्रगुप्त टू जो है उन्हें कहते हैं विक्रमादित्य। और देखिए इनके समय में जो किंगडम है वो काफ़ी एक्सपैंड किया, इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म किया था, और उन्होंने शादी की लिच्छवी प्रिंसेस से, और फिर प्रिंसेस ऑफ पंजाब से भी की। और जो नागा डायनेस्टी है, कुबेर नागा उनकी बेटी थी, उनसे भी शादी की।
और जो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, जो सबसे बड़ा इनकी जो इनकी अचीवमेंट थी, वो थी इन्होंने शाखास को हराया था, और शाखा को हराने के बाद ही इन्होंने अपना टाइटल रखा था विक्रमादित्य। और एक और बात, जो शाखास को जब इन्होंने हराया तो उज्जैन को सेकेंड कैपिटल बनाया गया, उज्जैन वॉज द सेकेंड कैपिटल। पहला कैपिटल पाटलिपुत्र था और दूसरा कैपिटल था उज्जैन। और देखिए इनके जो पीरियड में कालिदास जो थे वो प्रेजेंट थे, और कालिदास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो पोएट पोएम है उनकी, उनके लिए जाने जाते हैं, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, शकुंतला, मेघदूत, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और धन्वंतरी, जिनको आयुर्वेदा का फादर भी कहा जाता है, और इनके जो शिष्य थे चरक, चरक ने पहली प्लास्टिक सर्जरी की थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सब इनके समय में, गुप्ता पीरियड के समय में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप एक बात और बता दूं मैं, कि फाहिम एक चाइनीज पिलग्रिम थे, उन्होंने इस समय इंडिया को विजिट किया था, और कई जगहों पर किया था, जैसे कि मथुरा, कपिलावस्तु और कुशीनगर। और इन्होंने गुप्ता एम्पायर के बारे में लिखा था कि ये बहुत प्रॉस्पेरस पीरियड है और काफी खुशहाल किंगडम है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री में गुप्ता के बारे में जो जानकारी देता है। तो फाहिम जो है 399 AD में इन्होंने विजिट, वो निकले थे, और 405 में वो इंडिया पहुंचे थे। तो उसके उनके जो बेटे थे चंद्रगुप्त टू के बेटे कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त जो थे, कुमारगुप्त वन ने नालंदा की जो मॉनेस्ट्री थी वो स्थापित की थी, और इन्हें महेंद्रादित्य कहा जाता था। और एक और इम्पोर्टेंट बात, कि जो कालिदास जो है इनके समय में फ्लरिश किए थे, तो कालिदास चंद्रगुप्त टू और कुमारगुप्त वन के समय में थे। और इन्होंने भगवान कार्तिकेयन की पूजा शुरू करवाई थी। साथ में एक और बात बता दूं, कि हेप्थलाइट्स जो थे, जिनको व्हाइट हूनास कहते थे, नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइब थे ये, और श्वेत हूना जिनको हिंदी में बोला जाता था, वो इस समय अटैक किए थे। और कुमारगुप्त ने एक अच्छा डिफेंस दिया था, पर इनके डिफेंस में इतना कॉस्ट इनकर हुआ था उनको रोकने में, कि जो एम्पायर की जो इकोनॉमी थी वो ड्रेन आउट हो गई थी वो। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन का। कि अब आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो थे कुमारगुप्त के बेटे थे, और इन्हें कहा जाता था देवराज और सकापान, और इन्होंने सुवर्ण लेक को रिपेयर करवाया था। और विष्णुगुप्त जो थे वो लास्ट गुप्ता एम्पायर थे। तो स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्ता एम्पायर थी वो डिक्लाइन होने लगी थी, और जो तोरुमाना थे, जो व्हाइट हूना थे, उनके लीडर थे, उनके राजा थे, और उन्होंने इंडिया का जो डिफेंस था, जो गुप्ता पीरियड का डिफेंस, गुप्ता का डिफेंस था, उसे तोड़कर वो अंदर आ गए थे। पर भानुगुप्त उस समय राजा थे, और उन्होंने उनको डिफीट किया था हुनास को, और फाइनली हुनास को इंडिया से बाहर खदेड़ कर निकाल दिया गया था बाय द ज्वाइंट आर्मी ऑफ नरसिम्हा गुप्ता एंड किंग यशवर्धन। और ये हुआ था 528 AD में, फाइनली जो हुनास थे उनको बाहर निकाल दिया गया था। और कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो चेस का खेल है, चेस वो इस समय लॉन्च हुआ था, वो कहते हैं इस समय शुरुआत हुआ था। और चेस को चतुरंगा कहते थे, चतुरंगा। और जो कामसूत्र था वो भी इस समय लिखा गया था, कामसूत्र वात्सायन में लिखा था, वात्सायन। और देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था। देखिए सबसे पहले तो मैं आर्यभट्ट के बारे में बता देता हूँ, उन्होंने इस समय ये बताया था कि अर्थ गोल है और जो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और उन्होंने ये भी कहा था कि मून और प्लैनेट जो है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये साइंस काफी पहले आ चुकी थी हमारे पास। और इन्होंने इक्लिप्स के बारे में भी बताया था, और कहते हैं कि इन्होंने मैथ को और एस्ट्रोनॉमी को अलग अलग किया था, डिस्टिंग्विश किया था। आर्ट में जब आप बात करें तो अजंता और एलिफेंटा और इलोरा जैसे जो केव्स थे, वो जो डिजाइन थे, जो मूर्तियां थी, वो इस समय बनाई गई थी। और कहते हैं इलोरा के बारे में आप एक बात याद रखिए, कि इलोरा जो है कंबाइंड मिक्सचर ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन है, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन। तो यहाँ तीनों के आपको अवशेष मिल जाएंगे। और जो दश अवतार जो मंदिर है देवघर में, जो कि झारखंड में पड़ता है, वो भी इनके समय का रचनात्मक कला के अंदर आता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो महाभारत और रामायण जो एपिक्स हैं, जैसे कि महाभारत को किसने लिखा था, महाभारत को लिखा था व्यास ने, व्यास। और एक और आता है रामायण, तो ये दो हमारे महान एपिक्स हैं जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा था, वाल्मीकि। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें। और देखिए जो गुप्ता पीरियड था उसके बाद हर्षवर्धन पीरियड, वर्धन डायनेस्टी आ गए थे, हर्षवर्धन 7th सेंचुरी AD में।
तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अस, वी विल अपडेट अपडेट